वेरी गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम एनिमेश, मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ स्टर्न द सन कैफे बार से। जी हाँ, बहुत ही शानदार सी एक प्रेस मीट थोड़ी देर पहले हुई है। मूवी का नाम है हवा हवाई, थोड़ी देर पहले प्रेस मीट हुई और इस वक्त हमारे साथ है नन अदर देन माई फेवरेट डायरेक्टर हमारे अपने अमोल गुप्ते जी। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। अमोल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड एफएम। अरे क्या बात है, रेड एफएम जिंदाबाद। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई देना चाहूंगा, कोलकाता शहर में इस वक्त आप आए हैं। थोड़ी देर पहले ही हमारे शहर में थोड़े दिन पहले पहला बैशाख थी। क्या कहना चाहेंगे कोलकाता शहर के बारे में, अगर आपको कुछ कहना हो? कोलकाता शहर ने इतने दो बड़े दिग्गज दिए हैं, एक है ऋत्विक घटक और दूसरे हैं श्री सतीश राय, जिनकी वजह से मेरा वजूद है, क्योंकि उनकी फिल्मों को देखते हुए मैं बड़ा हुआ और आज इस काबिल हूँ कि आपको हंसा सकूँ रुला सकूँ। क्या बात है। हवा हवाई मूवी लेकर जानना चाहेंगे, बहुत ही शानदार सी प्रेस मीट हुई थी पहले, इस मूवी को लेकर अगर सर आपको कुछ कहना हो? ये खैर ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये सुपर मूवी है। यहाँ बच्चे उड़ेंगे उड़ेंगे और मेटाफोरिकली उड़ेंगे, क्योंकि उनके सपने जो हैं, जो सोते हुए नहीं जो जागते हुए सपने देखते हैं, ऐसे सपनों की कहानी है ये। और ये बहुत ही बहुत सॉलिड स्पिरिट, जो हज़ार बच्चे आपको आप देखेंगे, इनमें से बहुत सारे नेशनल चैंपियंस हैं। और ये जो फॉर्मूला वन स्पोर्ट है, जो 80 की रफ्तार से चलता है, वो कैमरा को भी टाइम लगता है उसको कैच करने में, ये रफ्तार है इस फिल्म की। और बहुत ही दर्शनीय स्पोर्ट है, और मेरे ख्याल से इस फिल्म के बाद बहुत सारे बच्चे भारत भर में स्केटिंग करना शुरू करेंगे। क्या बात है। फ्यू वर्ड्स फॉर पार्थो, फ्यू वर्ड्स फॉर सकीब, कुछ कहना हो आपको? पार्थो खैर वो मेरा बेटा है, मैं क्या कहूँ। पर अगर आप अर्जुन हरिश्चंद्र वाघमारे के बारे में पूछ रहे हो, जिसका किरदार पार्थो ने निभाया है हवा हवाई में, तो वो बहुत ही माहीन है। ऐसा किरदार निभाते हुए बड़े बड़े दिग्गजों की जो है फूस रखती है। ये ऐसा बच्चे ने कर्त दिखाया है, ये केवल 12 साल के थे जब इन्होंने ये रोल किया है, और दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बाप की तरह, एक डायरेक्टर की तरह, या एक जिस फिल्म लवर की तरह मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही मेमोरेबल कैरेक्टर साबित होने वाला है अर्जुन हरिश्चंद्र वाघमारे का। मेंटर के दान में नजर आ रहे हैं, इनके बारे में साकिब सलीम जो है, जिनको मैंने पहली मर्तबा करण जौहर की बॉम्बे टॉकीज में देखा, उस पहले एपिसोड में, और मैं बहुत ही एंचांट हो गया, क्योंकि जिस ईज के साथ जो बॉडी लैंग्वेज है उनका, वो ऐसा लगता है कि वो पार्थो के बड़े भाई हैं, उतना उनका बॉन्डिंग मैंने देखा है। और सच में वो एक अच्छे लाइफ कोच साबित हुए हैं थ्रू द फिल्म। और मैंने बहुत सारी लड़कियों को उन्हें ताकते देखा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो एक न्यू लवर बॉय किस्म का इमर्ज हो रहा है वहाँ पे। वैसे 1989 में मैंने शाहरुख को भी आते हुए देखा था, जब मैं कभी ना की स्क्रिप्ट टीम पे काम कर रहा था। ऐसे लगता है दिल्ली से दोबारा कोई ऐसा चार्मिंग बॉय आया है, वो है साकिब सलीम जी। अमोल सर, बताना चाहूँगा, हम सुबह से ही बातें कर रहे थे कि आपके साथ हमारी रेड एफएम पे लाइव बातें होगी। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फैंस ने आपके लिए सवाल पूछे हैं। मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ, क्योंकि 8 से 9 सवाल हैं, मैं एक के बाद एक आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपको, हमने हर तरह के रोल में देखा है, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, आप राइटर हैं, आपने स्टेज पर परफॉर्म किया है, कौन सा रोल सबसे ज़्यादा आपको करीबी है और आपको काफ़ी मज़ा आया करके? अभी तो मतलब पिछले 13 साल से एक ही रोल जो है मेरे सबसे नज़दीक का रोल है, और वो है पिता बनने का रोल, जो मैं बखूबी निभा रहा हूँ मेरे दोस्त पार्थो के साथ, जो मेरे पुत्र हैं। वो रोल बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल रोल है, और वो ऐसा रोल है जो ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ आपके साथ ख़त्म होता है, वो रोल सबसे अच्छा। बिल्कुल। तारे जमीन पर लेकर जानना चाहूँगा, जब ये मूवी आप कर रहे थे, कितना ये सब्जेक्ट कितना टफ था, और जब आपने प्लान किया कि ऐसी मूवी बनानी चाहिए, तो क्या चल रहा था सर दिमाग में, और बचपन की कुछ अपनी चीज़ें आपने इसमें जोड़ी थी? मैं अपने वर्ग में हमेशा पहला आता था, शर्म की बात है, क्योंकि
जब आता था तब तो बड़ा गर्व होता था, लेकिन जब बड़ा हुआ तब सोचने लगा कि उन यारों दोस्तों का क्या हुआ जो लास्ट आते थे। तब ऐसी सोच सोच में जो मैं जुड़ गया दो जो स्पेशल स्कूल हैं उनके साथ, और एक एसोसिएशन है महाराष्ट्र डिसलेक्सिया एसोसिएशन, वहाँ बैठकर जब मैं वर्कशॉप्स करता था बच्चों के साथ, उनका मनोरंजन करता था, उनकी उनको जब नज़दीक से देख रहा था, तो ईशान नंद किशोर अवस्थी का जन्म हुआ उस कैरेक्टर का। और मैंने सोचा कि ये जो जितने सैकड़ों ईशान मेरे आसपास जो बैठे हुए हैं, उन सबको मिलाकर एक सिंगल ईशान बनाऊं, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी भारत के बच्चों की ओर, कि उनके जो जो पीठ का वजन कम हो जाए, जो खामखा एकेडमिक सिस्टम ने उनको परेशान कर रखा है, वो अगर वजन कम हो जाए तो बच्चा जो है जीना जीने का लुत्फ ले सकता। बिल्कुल सही कहा। जानना चाहूंगा चाइल्ड साइकोलॉजी, ये क्या आपने इसके बारे में कितना आपने रिसर्च किया है सर, बचपन से लेके कैसे कैसे आप क्या क्या चीजें, अगर आप खुल के बताएं सर खुल के बच्चों को, जब क्या, आप देखते हैं क्या क्या चीजों पर ध्यान देते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि बचपन ही से बच्चों के साथ जो रहने का सौभाग्य मिला मुझे, क्योंकि मैं बड़ा भाई था, तो छोटे भाई का ख्याल रखो, छोटा भाई बड़ा हो गया तो नेबर के बच्चे का ख्याल रखो, क्योंकि मेरी मम्मी भी नौकरी करती थी, डैड भी बाहर हुआ करते थे, तो एक आदत सी पड़ गई कि अरे वो अमोल है ना, वो देख लेगा। तो वो एक क्यों ऐसा था, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबली मैं ये करूँगा, और फिर वो ये नेचर बन गया मेरा। और क्योंकि वो नेचर बन गया, मैं उसमें अपना कंफर्ट जोन मैं हमेशा ढूंढता रहा, और उसी कंफर्ट जोन से जो मुझे हीरे मोती जो मिलते हैं वो मैं दुनिया के साथ बांटता हूँ। बिल्कुल जानना चाहूंगा, हमने देखे हैं बहुत सारे मूवीज आपने बच्चों पर बनाई है, लेकिन आपको लगता है ऐसी मूवीज और भी ज्यादा बननी चाहिए जो इंस्पायर करें बच्चों को और लोगों को भी समझ में आए कि ये चीजें। देखिए ऐसा है कि बननी तो चाहिए, ये तो इच्छा है, लेकिन जानते हैं कि बनेंगी नहीं, ये रियलिटी है। तो खामोगा क्यों डिप्रेस होना, अपना काम किए जाओ, अपना करते जाओ। एक सवाल आपके लिए और पूछा गया है, इस मूवी में हमने सुना था कि श्रीदेवी भी नजर आने वाली है, हवा हवाई मूवी का नाम है, कुछ ऐसा कुछ है कि ये गलत कोई अफवाह थी। नहीं, अफवाह एक 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 हद तक थी, क्योंकि श्रीदेवी ने आके ही ट्रेलर का उद्घाटन किया, तो जुड़ गई साथ में, ऐसा नहीं कि नहीं। तो इसके लिए मैं उनका बहुत वो मैं उनका इतना बड़ा कर्ज मैं अदा नहीं कर सकता, लेकिन फिल्म के अंदर ऐसा कोई दृश्य नहीं है जहाँ पर हुआ है। अमल सर और भी 3 से 4 सवाल है आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने बच्चों के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनाई है, लेकिन आपका फेवरेट मूवी कौन सा है आपकी मूवीज को छोड़कर जो आपके बहुत करीब है। वो एक क्या सैकड़ों है, क्योंकि मैं एक फिल्म स्टूडेंट हूँ, तो सिर्फ भारत देश का क्या, चारों ओर मास्टर्स जो है, 118 साल नया ये नई कला है सिनेमा की, उसमें बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हैं। अब उधर रशिया में देखो तो उधर तारकोव्स्की उसके खड़े हो जाएंगे, अब पोलैंड की तरफ देखो तो किसलावस्की उसके खड़े हो जाएंगे, जापान की तरफ देखो तो इतने सारे दादा लोग ओजू खड़े हो जाएंगे। तो जहाँ तुम नजर डालो वहाँ एक मास्टर आपको सिखाने के लिए रेडी है, उसका सिनेमा आपके लिए अवेलेबल है, चाहे ईरान हो या बाहर। अंदर की तो खैर वो संत तुकाराम से शुरुआत होती है, 1936, वो वेनिस का गोल्डन बेयर है वो, और बहुत ही सिंपल चित्रपट है वो, जैसे मूर्नाओं के सनराइज की याद दिलाता है। तो ये जो हमने अपना इनोसेंस खो दिया है, ये जो कहानियाँ जैसे ऋत्विक दा की मैं ढाका तारा हो, या सुवर्ण रेखा हो, या मतलब अजांत्रिक से लेके नागरिक से लेके सारी फिल्में, या राय साहब की बातें पांचाली, कहाँ आदमी किसका किस किसका नाम लूँ। अमोल गुप्ते जी के साथ बिल्कुल लाइव हमारी रेड एफएम पे इस वक्त बातें हो रही है, मूवी के प्रेस मीट में इस वक्त मैं हूँ, हवा हवाई मूवी का नाम है। सर आपसे जानना चाहूंगा, बच्चों के ऊपर आपने बहुत सारी मूवीज बनाई, अगर एक बार फिर से बच्चा बनने का मौका मिला, एक चीज जो आप चाहेंगे कि वो चेंज हो जाए। एक चीज चेंज हो जाए क्या, हजारों सैकड़ों सी चीजें चेंज हो जाए, लेकिन बच्चा बनने का मौका मिला तो मैं बड़ा ही नहीं हुआ हूँ, तो हूँ तो बच्चा ही।
क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। बिल्कुल लेकिन चेंज अगर करना चाहें तो खासकर जो बच्चों का बचपन छिन गया है इस नई व्यवस्था की वजह से, कि जैसे पहले बच्चे जो बाहर नीचे आते थे, खेलते थे, एक मिलनसार रहते थे, अब आप ही ने वो गैजेट्स बना दिए हैं, बच्चे ने तो गैजेट बनाया नहीं है। बिल्कुल तो एक कमरे में अगर 5 बच्चे बैठे हो तो कोई बात नहीं कर रहा है एक दूसरे से, अपने अपने गैजेट नहीं, में बच्चे क्या मसरूफ बड़े भी आजकल बात नहीं कर, पति पत्नी भी लगे होंगे फोन पर, है ये ना। हालत हो गई है बिल्कुल तो सही कहा। नहीं, पर पति पत्नी अपना काम जाने, मैं उनके हाँ बारे में ज्यादा सोचता नहीं, लेकिन जी बच्चों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपने ही गैजेट दिलाए, आपने ही उनको अकेला कर दिया। तो ये अकेलेपन और ये इस वर्चुअल रियलिटी में जो जी रहे हैं वो शायद हानिकारक हो सकता है इन द लॉन्ग रन, वो बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल अमोल जी, एक और सवाल आपके लिए आया है, हमारे एक लिसनर ने पूछा है कि सुनने में आया है कि इसमें आपका भी रोल था, आप भी नजर आ रहे हैं हवा हवाई मूवी में, या फिर आपने एडिट कर दिया अपने रोल को, ऐसे कोई खबर है? नहीं, रोल तो नहीं था, आप नहीं एक्ट कर नहीं रहे थे? इस बारी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि है ही नहीं कुछ उधर। मैं ये कह रहा था, पता नहीं कुछ गलत उड़ गया, मैं ये कह रहा था कि ऐसे खामोखा वहाँ खड़े रहने से, अपीयरेंस देने से कोई मतलब बात नहीं बनती, क्योंकि फिर और कहानी ये सब जो हो है जाता है उन्हें वो कहानी डिस्टर्ब हो जाती है। आप खामोखा अपना चेहरा वहाँ थोप रहे हो जबकि जरूरत नहीं है, उससे अच्छा जाओ संगम 2 करो। सिंघम 2 करो, बिल्कुल सही कहा, सिंघम 3 करो। ओके सर, जानना चाहूंगा आपसे कि स्केटिंग की जब बातें हो रही है, कितना टफ था इतने सारे बच्चों को एक साथ स्केट कराना, क्योंकि बच्चे हैं वो, कुछ भी गलती हो सकती थी, कितना टफ था सर आपके लिए? बच्चों से गलती नहीं होती मेरे भाई, हाँ ये बड़ों भी से है। होती है। तो बहुत ही आसान था, और चाहे कितनी गर्मी हो, क्योंकि हम गर्मियों में ही काम करते हैं क्योंकि छुट्टियां होती हैं, तो ऐसी मस्त गर्मियां, कितने सारे बच्चे थे? करीब 1000 बच्चे मैंने सुना हजार था। बच्चे हैं और स्केटिंग के 250-300 बच्चे हैं, और गांव के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बहुत सारे, पूरा गुलदस्ता है। गुलदस्ता है तो महक है, महक है तो मजा है। बिल्कुल 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त सुन रहे हैं रेड एफएम कोलकाता पे, हवा हवाई मूवी के प्रेस मीट में हम इस वक्त हैं, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे, कोलकाता के लोगों से, अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही, मैं फैंस तो खैर मैं ही सबसे बड़ा पंखा हूँ बच्चों का, मैं यही लोगों को आग्रह करूंगा कि भाई आप भी पंखे बन जाओ बच्चों के यार, जरा देखना सीखो और प्यार से देखो बच्चों की तरफ, आप उनमें जीनियस पाओगे। क्या बात है अमोल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, रेड एफएम को समय देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मैं हूं अमोल गुप्ते और आप मुझे सुन रहे हैं रेड एफएम पर, बजाते रहो सर, बजाते रहो। थैंक यू सो मच। वेल मैं अनिमेश आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ स्टैंड सन कॉफी बार से, जहाँ पर हमारी बातें हुई नन अदर देन डायरेक्टर अमोल गुप्ते जी के साथ। मूवी का नाम है हवा हवाई और इस मूवी के प्रेस मीट में मैं आया हुआ था। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो। बजाते रहो, बजाते।